सफलता पाने के लिए पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। ये पंक्ति बड़ी ही छोटी है, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा अर्थ लेकर बैठी हुई है। अर्थ क्या है जनाब? अर्थ ये है कि हमें अपने ऊपर विश्वास करना, और हम जब अपने ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं तो जीवन की हर सफलता को हम चूम लेते हैं। बहुत सारे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हाँ ये बात सच है, अपने ऊपर विश्वास कर लेने मात्र से ही हम सफलता की तरफ बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे बुद्धिजीवी आपको मिलेंगे, सफलता तो आपको मिल जाती है लेकिन अगर आपने विश्वास किया, अब विश्वास से भी आगे अति विश्वास किया, जिसको आप इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, जो अपने लिए बड़ा ही घातक सिद्ध होता है। बुद्धिजीवी इस बात को मानते हैं, जी हाँ बिल्कुल ठीक मानते हैं इस बात को, लेकिन वो ये बात इस बात का वाद विवाद करने लग जाते हैं कि विश्वास अति विश्वास इतना फर्क होता है इन दोनों में। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि जो विश्वास होता है वो कैसे पैदा किया जाता है। आइए दोस्तों मैं बताता हूँ, विश्वास जो आता है वो अनुशासन से आता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ग्रीन लाइट होते ही आप रोड क्रॉस करें। एक विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, आइए मैं बताता हूँ। आपने आज प्रण लिया है कि कल मेरे को ये टॉपिक्स पूरे करने हैं, मींस ये टॉपिक मुझे कल पूरे पढ़ने हैं, और आपने किया। आपने प्रण लिया कि मुझे कल ये काम करना है और आपने किया। आपने प्रण लिया कि मुझे सुबह 5:30 बजे उठना है और आप उठे। इसे कहते हैं अनुशासन। आप एक बार ये काम करके देखिए आपको कितनी मतलब की ऊर्जा मिलेगी। आप अपने आप में इतने अनुशासित बन के तो देखिए, आपको ये पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मतलब कि दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस तरह, अगर आपके विद्यार्थी जीवन में इस तरह अनुशासन को आपने अगर अपने आप को बनाए रखा, अनुशासित बनाए रखा, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और जब दोस्तों आप ये सब काम कर लोगे ना, अनुशासित बन जाओगे ना, इस तरह के अनुशासन करने लग जाओगे, तो आप अपने आप को इतना आत्मविश्वासी मानोगे कि आप हर काम आसानी से कर सकोगे। हर काम करने में मीन्स मेरा मतलब ये है कि आप कोई भी काम करने से पहले ये नहीं सोचोगे कि ये काम उससे होगा या नहीं होगा, आप यही सोचोगे कि मेरे से ये काम होगा। पॉजिटिविटी आ जाती है माइंड के अंदर, जो सबसे बड़ा फैक्टर होती है एक सफलता की तरफ जाने के लिए। बहुत बड़ी बात ये पंक्ति अपने आप में कहती है। एक बार और मैं आपके सामने आपके साथ दोहराना चाहता हूँ कि सफलता पाने के लिए पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। अगर विश्वास पैदा कर लिया अपने ऊपर, तो कोई ऐसी सफलता नहीं है जिसे आप ना छू सकें, आप हर सफलता छू सकते हैं। एक बार विश्वास पैदा करके तो देखिए, एक बार अनुशासित